अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू नमूनिया। ठीक है, अब नमूनिया जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास इसकी डेफिनेशन, जब आप आपसे पूछे ना पेपर में या आपसे वाइवा में, तो इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करके आपने बोल देना है। ठीक है, देखो क्या होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी शेडोविंग होती है। ठीक है, अब वो जो पल्मोनरी शेडोविंग होती है वो सेगमेंटल भी हो सकती है, लोबार भी हो सकती है, मल्टी लोबार भी हो सकती है। ठीक है, क्या है एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है जिसकी वजह से पल्मोनरी शेडिंग है, जो हमारे पास लोबार, मल्टी लोबार या सेगमेंटल हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा होगा। ठीक है, लंग्स पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, सही है, जिसमें हमारे पास जो है वो लंग्स, सॉरी ब्रोंक्यूल्स भी आ जाते हैं और एल्वोलाई भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नमूनिया कहते हैं कि ये सही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। ठीक है, जिसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और हमारे पास एल्वोलाई आ जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो नमूनिया कहते हैं। ठीक है, अब नमूनिया की हमारे पास क्लासिफिकेशन दो किस्म की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होती है और ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास कॉज होती है। ठीक है, अब लोकेशन की बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप्स हैं, लोबार नमूनिया है, ब्रोंको नमूनिया है और इंटरस्टिशियल नमूनिया है। ठीक है, और जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज है तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है, IV ड्रग अब्यूजर नमूनिया है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है वो नमूनिया है, इसके अलावा हमारे पास एस्पायरेशन नमूनिया है। ठीक है, अच्छा जो मोस्ट कॉमन है ना वो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सॉरी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें ना, तो ऑब्वियस सी बात है सिगरेट स्मोकर होगा कोई, ओल्ड एज है, ठीक है, वो छोटे बच्चे हों या बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी में हो, एयर पोल्यूटेंट हो, इसके अलावा हमारे पास स्टेरॉइड थेरेपी बहुत ज़्यादा कोई ले रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बैक्टीरियाज पे आते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज में हमारे पास जो है ना, सबसे पहले हमारे पास है द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ना वो हमारे पास स्टेप नमूनिया है। ठीक है, स्टेप नमूनिया जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कॉज करता है। ठीक है, फिर हमारे पास स्टेफ ऑरेस है। ठीक है, अब जो स्टेफ ऑरेस है ना, ये हमारे पास आफ्टर वेरियस इन्फेक्शन जो है ना हमारे पास ये लंग्स को अफेक्ट करता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो स्टेफ ऑरेस होता है ना, इट्स बेसिकली आफ्टर अदर इन्फेक्शन, अगर लंग्स में कोई ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है तो उसके बाद जो है स्टेफ ऑरेस अटैक करता है। ठीक है, फिर एच इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स में, जो कि हमारे पास स्मोकर्स हों और COPD उनको हुआ हो, तो उनमें ये लोग अटैक करते हैं। ठीक है, फिर माइकोप्लाज्मा जो है ना, ये हमारे पास यंग पेशेंट्स में अटैक करता है। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड एज एटिपिकल नमूनिया। ठीक है, और ये हमारे पास इसको हम वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं, क्योंकि पेशेंट जो होता है ना वो हमारे पास इतना सवेर नहीं होता, मतलब प्रॉपरली चल पा रहा होता है, सब कुछ काम का अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर पा रहा होता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये जो मेन कॉमन है ना, ठीक है, तो एक हमारे पास नमूनिया था, ठीक है, स्टेप नमूनिया जो हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है, फिर स्टेप ऑरेस होता है जो हमारे पास आफ्टर जो वेरियस इन्फेक्शन हो रहे हैं एच इन्फ्लुएंजा ओल्ड पेशेंट्स में होता है, और प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो है हमारे पास यंग पेशेंट्स में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लेस कॉमन है ना, उसमें हमारे पास लेजोनेला जो है ना वो एयर कंडीशनिंग की वजह से होता है। ठीक है, एयर कंडीशन की जो हवा होती है उसकी वजह से। क्लेब्सियेला जो होता है अल्कोहलिक में होता है। निमोसिस्टिस जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है। हिस्टोप्लाज्मा जो होता है वो बर्ड की जो ड्रूपिंग्स होती हैं उससे होता है। कॉक्सेला जो होता है वो एनिमल एक्सपोजर से होता है। बॉर्डरेला पर्टुसिस जो है वो पिंक अप करता है। ठीक है, और वो नमूनिया कॉज करता है। और फ्रांसेला टोलेंसिस जो है ना, टोलरेंसिस वो हमारे पास रैबिट एक्सपोजर की वजह से होता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, लेजोनेला जो है एयर कंडीशनिंग है, क्लेब्सियेला है न्यूमोसिस्टिस, हिज़ोप्लाज्मा, कॉक्सेला, बॉटेला और फ्रांसेला। ठीक है, अब वायरसेस में हमारे पास ना जो मोस्ट कॉमन वायरसेस है ना, देखो इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, आर्बो वायरस है, मीजल्स वाला जो रुबियोला वायरस हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस हो गया, और साइटोमेगालो वायरस हो गया। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास निमोनिया के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, सबसे पहले इसमें सिम्टम्स पे आते हैं ना, तो सिम्टम्स में हमारे पास हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है। ठीक है, और एक्यूट हिस्ट्री होती है निमोनिया की। ठीक है, निमोनिया की कभी भी ऐसी नहीं होती कि आप बड़े टाइम से वो चल रहा है। ठीक है, एक्यूट हिस्ट्री होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, फैटीग होता है, मलेज होता है, इसके अलावा टेकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट जो होता है वो 100 से ज़्यादा हो चुका होता है। ठीक है,
अच्छा, इनिशियली हार्ट रेट जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा इसलिए होता है ना कि ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कंपनसेशन हो जाए ना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास टैकेपनिया भी होता है, मतलब ब्रीथिंग रेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। डिलिरम होता है, ठीक है, मतलब बंदा जो होता है उसको समझ नहीं आ रही तो क्या क्या कर रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। इनिशियली जो है कफ होता है, बाद में जो होता है वो म्यूकोप्यूरुलेंट कफ होना शुरू हो जाता है और इतना सवेर हो जाता है कि हमारे पास हीमोप्टेसिस भी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो हमारे पास इसमें लो होता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फटीग होता है, मलेज होता है, टैकीपनिया होता है, टैकीकार्डिया होता है, डिलिरियम, और हमारे पास जो है वो ड्राई कफ होता है जो हमारे पास बाद में कन्वर्ट हो जाता है म्यूकोप्यूरुलेंट, और हमारे पास हीमोप्टेसिस भी होती है और जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो लो होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग ब्रेथ साउंड्स की बात कर लेना, तो ब्रेथ साउंड्स होते हैं जिस जगह पे नमूनिया होता है ना वहाँ पे बेसिकली ब्रेथ साउंड्स होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और या तो बिल्कुल भी स्लो सुनाई दे रहे होते हैं। क्यों बिल्कुल एब्सेंट या स्लो सुनाई दे रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पस या फ्लूइड उस जगह पे होता है, ठीक है। फिर पर्कस करोगे तो ऑब्वियसली पहले तो उसमें हवा थी, हवा तो रेजोनेंट साउंड आ रही थी, लेकिन अब उसमें फ्लूइड आ गया तो अब वो डल हो चुका होगा, ठीक है। ब्रीथिंग को देखोगे तो ब्रीथिंग ब्रोंकियल ब्रीथिंग एट एरिया ऑफ लंग्स, ठीक है। अब जब ब्रीथिंग साउंड जब आप सुनते हो ना तो वो आपको लंग्स में आपको ब्रोंकियल ब्रीथिंग सुनाई देगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था लंग्स में तो नॉर्मल हमारे पास जो ब्रीथिंग होती है वो हमें सुनाई देती है, ठीक है। जिसको जिसका नाम मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, हाँ अच्छा, नॉर्मल तो वेजिकुलर साउंड लंग्स में सुनाई दे रहा होता है, लेकिन इस पेशेंट में हमारे पास ब्रोंकियल साउंड सुनाई दे रहे होते हैं लंग्स में, ठीक है। अब हमारे पास नमूनिया जो लोबार नमूनिया होती है ना, इसके हमारे पास कुछ स्टेजेस भी होती हैं, जिसमें स्टेज ऑफ कंजेशन होता है, पहले रेड हेपेटाइजेशन होती है, ग्रे हेपेटाइजेशन होती है, फिर रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। अब ये जो नमूनिया है ना, इसके लिए हमारे पास एक बेसिकली स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसको कर्व 65 स्कोरिंग सिस्टम होता है। कर्व 65 क्या है ना, CURB 65, ठीक है। बंदा जो होता है वो कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा उसको जो है वो हमारे पास यूरिया का लेवल उसमें ज़्यादा हो जाता है, कन्फ्यूज़ होता है, यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है। रिस्पायरेटरी रेट जो होता है वो हमारे पास पेशेंट में जो होता है वो 30 से ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे पास कम हो जाता है, 90/60 से कम हो जाता है, एज जो होती है वो 65 से ज़्यादा होती है। दोबारा बता देता हूँ, कर्व 65 इसमें कन्फ्यूजन है, यूरिया का लेवल ज़्यादा है, रिस्पायरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर जो है वो 90/60 से कम है, और एज जो है वो 65 से ज़्यादा है, ठीक है। अब हर एक चीज़ का स्कोर 1 है, ठीक है। अगर पेशेंट में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम स्कोर 5 आता है तो मतलब पेशेंट नमोनिक है, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट में 0 या 1 स्कोर आएगा तो उसको घर में आप मैनेज कर लो, खैर कोई बात नहीं। एक बंदा कंफ्यूज है तो घर में ट्रीट कर लो, ठीक है। एक बंदा बीपी उसका 90/60 से कम है, घर में ठीक कर लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अब एक पेशेंट है जिसके दो चीज़ें जो हैं उसमें नज़र आई हैं, ठीक है, तो उसमें आपने मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटल में करनी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट होती है वार्ड में बस वही देनी है, ठीक है। लेकिन एक पेशेंट है जिसका हमारे पास स्कोर 3, 4 and 5 आया है तो उसको आप वेंटिलेटर इंटुबेशन करोगे और वेंटिलेटर डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन में आप देखो, सबसे पहले आपकी तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है ना, जिसमें आप देखो CBC कर लेते हो, ESR कर लेते हो, सी-रिएक्टिव प्रोटीन कर लेते हो, इसके अलावा जो है आपका यूरिया इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट हो गए, इसके अलावा आपके LFTs हो गए, ABGs हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लड कल्चर कर लेते हो, स्पूटम कल्चर कर लेते हो, चेस्ट एक्सरे कर लेते हो, यूरिन आरई कर लेते हो, फर्स्ट एप नमोनिया, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन के फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेते हो, इसके अलावा ओरल सरेंजियल स्वैब ले लेते हो जिससे आपको पता लग जाता है कि नमोनिया है कि नहीं है बंदे में, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में क्या करना है, ठीक है। देखो, एक तो आपका जो है वो कर्व स्कोर आपने देखना है ना, कर्व 65 स्कोर अगर वो आ रहा है किसी पेशेंट में, मतलब वो 3, 4, 5 तक आ रहा है, तो तब आपने ट्रीटमेंट शुरू करनी है, ठीक है। एक तो आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है और एक आपने सवेर केस में जो एक्यूट सवेर केस में ट्रीटमेंट होती है। नॉर्मल ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, देखो नमूनिया का पेशेंट है, ऑक्सीजन की कमी है पेशेंट में, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है ताकि उसकी सैचुरेशन जो है वो 92 तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने फ्लूइड चढ़ा देने हैं, ठीक है, IV फ्लूइड चढ़ा देने हैं, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स देते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्लूरा में पेन हो रहा होता है ना, उसके लिए आप पैरासीटामोल देते हो अगर पेन कम है, और अगर ज़्यादा है तो NSAID दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी कर दोगे, इससे इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद ना हमारे पास इसमें हम लोग जो है ना वो
अच्छा, जो एंटीबायोटिक अब ट्रीटमेंट होती है ना, तो उसमें आप बेसिकली क्या देते हो, एक तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग्स होती हैं। फर्स्ट लाइन में आप एमोक्सिसिलिन दे देते हो, ठीक है, ओरल देते हो, 500 mg देते हो, टीडी देते हो 3 times a day, ठीक है। अगर पेशेंट जो है पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है तो उसको प्रिथ्रोमाइसिन दे दोगे, ठीक है, क्यूडी दे दोगे, ठीक है, और या तो क्लेरिथ्रोमाइसिन दे दोगे बीडी, ठीक है, 500 mg ओरल, ठीक है। अब सेकंड लाइन ड्रग्स में अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो फिर आप सेकंड लाइन ड्रग देते हो जिसमें आप फ्लू क्लोक्सासिन देते हो, ठीक है, 1 gram देते हो IV, ठीक है, QD, या क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हो 500 mg BD IV, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, एटिपिकल ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोप्लाज्मा हो गया, लेजिनेला वगैरह हो गया, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन और रेफेम्पेसिन दे देते हो, ठीक है। अच्छा जी, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड रेफेम्पेसिन, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट आया जो सवेर केस का पेशेंट है ना, सवेर एनीमिया का पेशेंट है, तो आपने 3-4 मेडिकेशंस को कम्बिनेशन में लेना होता है IV, ठीक है। पेनिसिलिन देते हो, ठीक है, मैक्रोलाइड्स देते हो, ठीक है, मैक्रोलाइड्स देते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सेफेलोस्पोरिन देते हो, बेसिकली थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, और कोमोक्सिक्लेव देते हो जिसमें क्लेविलानिक एसिड प्लस एमोक्सिसिलिन होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वो मैक्रोलाइड्स होते हैं ना, ठीक है, वो जो हमारे पास जेंटामाइसिन और ये चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ये हमारे पास तकरीबन 500 mg होते हैं BD, ठीक है। फिर इसके बाद सेफेलोस्पोरिन जो होते हैं वो हम 500 mg देते हैं TD, और कोमोक्सिक्लेव जो होता है वो हम लोग 1-2 ग्राम देते हैं, ठीक है, और ये TD देते हैं, IV दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं नमूनिया की, वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो, नमूनिया में एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी वजह से क्या होता है कि एक पेशेंट जो है ऑब्वियसली उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो वो हाइपोटेंशन में जा सकता है, जिसकी वजह से वो शॉक में जा सकता है। अब ये जो इन्फेक्शन है ना, ये ब्लड तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकती है, ठीक है। अब ये है ना, ये ऑब्वियसली लंग्स जो होते हैं वो हार्ट के करीब होते हैं, तो पेशेंट जो होता है वो उसके हार्ट प्लूरल फ्यूजन्स होंगी, प्लूरल फ्यूजन्स के जरिए जो है वो हमारे पास एट्रियल फाइब्रिलेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेमोप्टेसिस वगैरह भी हो सकती है, खून की जो है बेसिकली आपको कफ हो रही होती है,